वेलकम बैक साथियों, सभी कारपेंटर भाइयों को नमस्कार। एक नया वीडियो में आप लोगों को फिर से स्वागत है। चलिए आज हम बताते हैं कि एक लकड़ी का घन फुट कैसे निकाला जाता है और 1728 से 2304 से भाग क्यों दिया जाता है, उसके बारे में आज हम बारीकी से समझेंगे। और एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इस फॉर्मूले को जान सकेगा और वो निकाल सकेगा। हमें पूरा मैथ का यहाँ लेकर के बैठना नहीं है कि आई का पाई का मान कितना होता है, आर का मान कितना होता है, हमें वो सब कुछ नहीं करना है। हमें एक शॉर्ट और साधारण तरीके से बिल्कुल सटीक लकड़ी हमको पैमाइश करने के लिए समझना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आज हम जानते हैं कि हमारा एक स्क्वायर फुट में कितना इंच होता है। जैसे मान के चलिए ये है, ये मेरा एक फुट है यानी कि 12 इंच है, ये भी 12 इंच है और ये भी 12 इंच है, यानी कि ये स्क्वायर पूरा 12 इंच बाई 12 इंच है। तो इसको जब आप नापेंगे तो आप देख पाएंगे एक इंची का सारा ये भाग लगा हुआ है। आप ये देखिए, एक इंची का ये सारा भाग लगा हुआ है, ये टोटल 12 भाग ऐसे ऐसे हो गया और 12 फिर ऐसे ऐसे हो गया, तो ये इसमें टोटल 144 इंच होता है। ये देखिए, देख पा रहे होंगे, ये 144 इंच होता है। तो एक फुट बाई एक फुट में 12 इंच बाई 12 इंच में 144 इंच होता है। अब ये 144 इंच हो गया, अब ये 12 बाई 12 हो गया और ऐसे भी 12 इंच ही है, ऐसे भी एक फुट है। तो इसमें हमारा कितना घन फुट इंच है और कितना घन फुट है, ये दोनों आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर हम इंच जान जाएंगे, घन फुट जान जाएंगे, तो हम आगे फिर राउंड सर्किल, मेरा मोटा पेड़ है उस पेड़ में कितना घन फुट है, उस पेड़ का सर्किल कितना है, वो सारा चीज़ हम आसानी से समझ पाएंगे। तो इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कितना घन इंच है। 12 बाई 12 चारों तरफ से ये है, 12 इंच ऐसे है और 12 बाई 12 ऐसे है, तो इसमें कितना घन इंच है सबसे पहले आज हम ये जानते हैं। तो देखिए, इसको हम साथियों, ये एक इंच का हमने निशान लगाया हुआ है, आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको हमको एक एक इंच का चीरना है। अब जब एक एक इंच का चीरेंगे तो हमारा एक 12 इंच बाई 12 इंच मोटाई एक इंच, तो इसमें हमारा 144 इंच है, इसमें भी 144 है, 144 144 करके 12 परत में 144 इंच होता है। तो 12 परत को हम 144 से गुना करते हैं, हम 12 परत को 144 से गुना करते हैं, जैसे 12 गुने 144, तो ये हमारा कितना इंच हो जाता है ये हम अभी देखते हैं। देखिए कितना है हमारा, 12 गुने 144, तो 12 इंटू 144 बराबर कितना हो गया साथियों, अब देख पा रहे होंगे बिल्कुल लाइव, ये हो गया हमारा 1728 इंच, ये 1728 इंच हो गया। 1728 इंच हो गया हमारा, इसका मतलब एक घन फीट हो गया, एक घन फीट, ये एक घन फीट हुआ कितना, 12 इंच बाई 12 इंच में, 12 हमारा ऐसे है, 12 ऐसे है, 12 ऐसे, 12 ऐसे, ये चारों तरफ से 12 12 इंच का होगा, तो हमारा 1728 इंच होगा। तो ये आप पूरा समझ गए होंगे, जैसे इसको हम एक इंच का इसको हम आरा मशीन पे चिरवा देते हैं एक करके, इसको हम निकालेंगे तो 144 इंच 144 144 करके सारे में 144 इंच ही होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये 144 और 1728, ये 1728 कहाँ पे काम आता है ये हम आगे वीडियो में अभी समझेंगे। और 144 तो हमें हर जगह काम आता है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको अभी हम मिटाने वाले हैं तो आप ले सकते हैं। अब ये हम जान लेते हैं कि हमारा एक लंबा लकड़ी है, जैसे आप ये देख रहे होंगे, इसकी मोटाई कितना है, 3 इंच है और 4 इंच चौड़ाई है। तो इसको
हम लिख लेते हैं इसको, तीन इंच गुने 4 इंच, और ये लंबाई है हमारा 12 फुट, तो गुने 12 फुट। इसको भी हम आपके सामने लाइव गुना कर लेते हैं और देखते हैं। ये देखिए, अभी देख रहे हैं, 3 गुने 4, 3 गुने 4 गुने 12, ये हमारा टोटल हो गया 144 बराबर 144। ये 144 क्या हुआ, इंच हो गया। अब इसको 144 को हम फिर गुना करेंगे 12 से, तो ये हो जाएगा 1728। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, 4 इंच मोटाई, 3 इंच और 12 फुट लंबाई। तो साथियों, इसको हम इंच में गुना करेंगे, इसको फुट में गुना करेंगे, तो इसमें हमारा एक एक फुट माल हुआ, 1 फुट ये लकड़ी हुआ। इसको आप CFT भी कह सकते हैं, इसको घन फीट भी कह सकते हैं। ये समझ गए होंगे आप, ये एक स्क्वायर चीरा हुआ लकड़ी का साइज हम बता रहे हैं। इसको आप 3 के जगह में 6 इंच भी कर सकते हैं, 8 इंच भी कर सकते हैं, और भागा आप 144 से भी दे सकते हैं। जो चीरा हुआ लकड़ी है उसको आप 144 से भी भागा दे करके घन फुट निकाल सकते हैं, 1728 से भी भागा दे करके आप घन फुट निकाल सकते हैं। ये दोनों हो गया। अब ये हम तीसरा पे चलते हैं, इसको भी मिटा देते हैं साथियों। अब सबसे अहम बात है कि एक हमारा राउंड है, ये मान के चलिए ये हमारा राउंड मोटा सा पेड़ है, और इतना मोटा है कि इसमें हम घुमा करके इंची टेप से नाप नहीं सकते हैं। तो हमको नापी करने के लिए एक ये वाला, ऐसे हम केवल इसको नाप सकते हैं। तो ये नापी में हमारा आ रहा है, मान के चलिए 15 इंच है, ये 15 इंच है। अब इसका सर्किल हम कैसे पता लगाएंगे? इसका सर्किल पता लगाने के लिए साथियों, एक हम इसमें मैथ का फॉर्मूला ऐड करते हैं। जो वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है, ये आप देखेंगे, फॉर्मूला है, हम मैथ से ले लिए हुए हैं, 2 पाई आर। पाई का मान साथियों होता है, पाई का मान हो गया हमारा 3.14, यानी कि 3.14। तो हम इसको 3.14 जो है, ये आप मैथ अगर जानते होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। आपको यही वाला याद रखना है, बाकी आप सब भूल जाइए। कोई पाई लगाने के, कोई आर लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आप सारा चीज समझ जाइएगा। अब इसका हमको सर्किल पता लगाना है, तो सर्किल हम कैसे पता लगाएंगे? इसको हम 15 15 में इसको हम गुना करेंगे 3.14 से। 3.14 से गुना करने के बाद में ये हमारा साथियों आ जाएगा 47.1, ये हमारा इंच हो गया और ये हो गया 1 सूत। तो इसका राउंड जो है, इसका राउंड साथियों हमारा निकल करके आ गया, पूरा राउंड जो है वो निकल करके आ गया 47 इंची 1 सूता। दिखाएंगे अभी आपको ये कैसे आया, अभी हम दिखा रहे हैं। जैसे ये मेरे पास एक स्टूल है, इसकी लंबाई आप देखिए, इसकी ये मोटा सा पेड़ है, ये स्टूल नहीं है, मोटा सा पेड़ है। इसको हम नापते हैं तो हमको नापने के लिए मिला केवल 15 इंच। आप देख पा रहे होंगे कितना है, 15 इंच है। अब इसका राउंड हमको निकालने के लिए
क्या करना होगा, तो इसको भी हम अभी के अभी चेक करके हम आप लोगों को दिखाते हैं, आप बने रहिए वीडियो में। एक हमने रस्सी लिया, इसको यहाँ से घुमाया और घुमा करके हम देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं इसका छोर और इसका छोर, ये दोनों सेम मिल गया। अब इसका हम एग्जैक्ट नापी हम बता रहे हैं साथियों आप लोगों को, इसको हम साइड में रख लेते हैं, इसको हम डबल कर लेते हैं साथियों, आसानी रहेगा। ये देखिए साथियों, ये देख लीजिए आप, यहां देखिए कितना है, ये 23.5 इंची, रस्सी से दिखा रहे हैं फिर भी 23.5 इंची है ये, तो 23.5 × 47 होता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नापी है। आप प्रैक्टिकल घर में करके देख लीजिएगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो राणा वुडवर्क चैनल को आप बिल्कुल डिसलाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी नहीं कीजिएगा। तो ये हो गया इसका फार्मूला आपको सर्किल पता लगाने के लिए। अब इसमें सवाल ये होता है कि इसका अगर हम सेंटर निकालें तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हमको क्या करना है, तो वो भी आज हम आप लोगों को बताते हैं कि इसका सेंटर कैसे होगा। तो इसका सेंटर निकालने के लिए साथियों आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए कैलकुलेटर, सीधा हिसाब आप लगाएंगे जो ये निकल करके आया है, कितना निकल करके आया है ये देखिए, 47.1 भागा 3.14 जो आया हुआ, इसको हम डबल कर लेंगे यानी कि 6.28, तो इसका हम डबल कर लेते हैं 6.28 बराबर 7.5 इंच। आप देख लीजिए बिल्कुल लाइव, ये 7.5 इंच जो है वो आपका सेंटर आया, 7.5 ये सेंटर आया। एक चीज यहाँ और क्लियर कर देते हैं, ये 47.1 जो है वो हम आप लोगों को बता देते हैं, ये 47.1 जो है इसको हम फिर 47.1 भागा 3.14 कर देते हैं, तो ये हमारा 15 इंची निकल जाता है, यहाँ कोई डॉट नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, ये आपने सर्किल निकालने के लिए सीख गया, आप इसका त्रिज्या जो बोलते हैं मैथ में वो निकालने के लिए सीख गया सेंटर, अब इसको हम घन फुट निकालने के लिए सीखते हैं। तो घन फुट निकालने के लिए मान के चलिए कि एक हमारा यहाँ पे ये मोटा लक्कड़ है, यही वाला मोटा सा लकड़ी है, इस ये हम लकड़ी का शेप बना रहे हैं, ये है इसकी लंबाई साथियों, जो ऊंचाई है वो है 7 फुट, यह है 7 फुट, और इसका जो गोलाई है वो गोलाई है वो 47.1 है, हमें अभी तो साइज मिल गया है, तो इसकी गोलाई जो है वो 47.1 है। इसका घन फुट कितना होता है ये अभी हम निकाल करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसको हमको घन फुट निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे गोलाई, गोलाई दो बार लिखना होगा, गोलाई गोलाई गुने गोलाई गुने ऊंचाई, या इसको लंबाई भी कह सकते हैं। अब ये हमारा गोलाई है 47.1 × 47.1 × इसको साथियों हमको लेना है फुट में, तो ये 7 फुट है, ये इंच में हो गया, इसको इंच में ही रखना है और इसको फुट में रखना है, तो इसको हम गुना कर लेते हैं अभी। तो देखिए 47.1 × 47.1 × 7 ये हमारा कितना आ गया, 15,528.27
528.87। अब इसको हम साथियों कितना से भाग देने वाले हैं, इसको हम 1728 से भाग देने वाले हैं। अभी ये देखिए, इसको हम भाग देते हैं 1728, तो ये कितना निकल करके आया ये आप देख लीजिए, ये निकल करके आया 8.98। उधर का पॉइंट हम छोड़ देते हैं, ये हमारा क्यूबिक फुट निकल गया, यानी कि सी एफ टी फीट निकल करके आ गया है। ये लगभग ये 9 CFT माल हमारा इसमें है, 9 CFT माल है। तो इस तरीके से आप घन फुट निकाल सकते हैं। और अब लास्ट में एक चीज हम आप लोगों को और बता देते हैं कि टिम्बर वाले कैसे लूट रहे हैं और हम लुटाते जा रहे हैं, तो वो चीज हम बताते हैं कि एक चीज कि 2304 जो है, आप बहुत से लोगों से सुना होगा कि ये 2304 से हमारा निकलता है घन फुट, 2304 से घन फुट निकलता है साथियों। ये टिम्बर वाले जब खरीदने जाते हैं लकड़ को, तो वो ये 2304 से भाग करके वो लकड़ी को खरीदते हैं और कम पैसा लगता है उनको और वो खरीद लेते हैं। जब आप माल चिरवाने के लिए जाते हो, आप लकड़ी चिरवाने के लिए जाते हो, तो वो 1728 से चिराई का पैसा आपसे लेता है। ये उल्लू बना करके कमाई करे जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी उल्लू बनने की जरूरत नहीं है, आप जब कोई कोई लकड़ी खरीदना हो तो आप बिल्कुल 1728 वाला ही फार्मूला को याद रखें। तो आपको याद क्या क्या रखना है, 144 याद रखना है और आपको रखना है 3.14। ये गोलाई नापने के काम आता है, आप गोलाई को पता लगा सकते हैं। और एक याद रखना है 1728, ये हमारा कितना है, ये हमारा हो गया घन इंच, यानी कि 1 फीट, 1 घन इंच बराबर 1 घन फीट CFT। तो साथियों ये था घन फीट निकालने का आसान फॉर्मूला, गोलाई को पता लगाने का फॉर्मूला। आप कुछ भी याद मत रखिए, मात्र ये 3 चीज़ों को याद रखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि गोल लकड़ी में कितना माल होता है, गोलाई का सेंटर कैसे निकालते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। तो साथियों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।